हेलो फ्रेंड्स, GSTR 3B लेट फीस, GSTR 3B ड्यू डेट्स और GST कंप्लेंसेस एक्सटेंशंस को लेकर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जहां पे सभी चाहते हैं कि ये डेट्स फर्दर एक्सटेंड की जाए, थोड़ा और रिलीफ उनको दिया जाना चाहिए। आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पे शेयर कर रही हूं, आप सभी से सपोर्ट कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको ये एक्सटेंशंस जरूर मिल जाएंगी। बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी की ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें GST रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन को लेकर के, GST लेट फीस वेवर को लेकर के, GST कंप्लेंसेस की जो डेट एक्सटेंशन है उसको लेकर के रिक्वेस्ट की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को। एज यू आर अवेयर द होल कंट्री इज़ करंटली फाइटिंग विद COVID-19 एपिडेमिक एंड द रिजल्टेंट लॉकडाउन सिंस मार्च 2020। तो सभी जानते हैं कि मार्च 2020 से जो सिचुएशन है कंट्री के अंदर, वी अप्रिशिएट दैट इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन, जो मार्च 2020 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ग्रांटेड रिलैक्सेशन इन ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस कंप्लेंसेज अंडर द GST रजीम। उसी समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके काफ़ी सारी ड्यू डेट्स के अंदर रिलैक्सेशन दी थी, इंटरेस्ट रेट पर रिलैक्सेशंस दी थी, GST की जो GSTR 3B की जो लेट फीस वेवर में काफ़ी सारा रिलीफ आपको दिया गया था। रिलैक्सेशन इन ड्यू डेट ऑफ वेरियस कंप्लेंसेज अंडर GST रजीम, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल 3B, वेवर और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील एंड रिटफंड्स। जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी उसमें आपको जो कंप्लेंसेस की डेट है उन्हें पहले 30 जून तक एक्सटेंड किया गया, फिर फर्दर उसको 31 अगस्त 2020 तक हमारे जो कंप्लेंसेस की डेट है जो 20 मार्च से फॉल कर रहे थे उनको एक्सटेंड किया गया। वी एक्सप्रेस अवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर दिस पॉजिटिव स्टेप, जो कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था, एक बहुत अच्छी मूव थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, बट यू विल अप्रिशिएट दैट इवन टुडे वेयर वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज आर स्टिल अंडर लॉकडाउन एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग। तो काफ़ी सारी स्टेट्स में अभी भी लॉकडाउन है और कुछ स्टेट्स तो अभी अनलॉकिंग प्रोसेस में ही है। द सिचुएशन इज ग्रिम एज द कंट्री कंटिन्यूज टू रिपोर्ट अ रिकॉर्ड सर्ज इन पॉजिटिव केसेज ऑन डेली बेसिस। इन सच सर्कमस्टांसिस वाइल द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड वेरियस फेजेज ऑफ लॉकडाउन, सिटीजन आर रिस्पॉन्डिंग कॉशियसली। Many are under self-imposed or compulsory quarantine and working from home to the extent possible with its own set of limitation. तो इन्होंने कंट्रीज के अंदर जो भी इस समय सिचुएशन है, जो इस समय प्रॉब्लम फेस की जा रही है, किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है, अपने काम करने पर कुछ लिमिटेशंस सेट हो गई हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्दर, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स सीवियर रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन ट्रैवलिंग एज असेंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे एंड मेट्रो आर स्टिल नॉट ऑपरेशनल एंड आर अवेलेबल ओनली टू वैलिड पास होल्डर एंड एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग असेंशियल सर्विसेज and the central and state government employees। तो किस तरीके से जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, रेलवेज है, मेट्रोज है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज ही है। एज अ रिजल्ट बिजनेस आर नॉट वर्किंग रूटीनली एंड विद लिमिटेड मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इन दिस बैकग्राउंड वी आर मेकिंग दिस रिप्रेजेंटेशन बिफोर यू, रिक्वेस्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन वेरियस सेक्शंस दैट गेट एक्सपायर्स इन द मंथ ऑफ September 2020। वी ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, टू द एग्जिबिट टू दिस लेटर वेयर वी हैव एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड फॉर सेट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि जो एक्सटेंशन 30 सितंबर को एक्सपायर हो रही हैं, आप उनमें फर्दर कुछ एक्सटेंशन दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से सफ़र कर रही है सब, किस तरीके से जो काम है वो हो रहा है। तो इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्सटेंशन की यहाँ पे डिमांड की है कि GST रिटर्न्स की जो डेट्स हैं उनको आप थोड़ा सा और वक्त दीजिए, लेट फीस को थोड़ा सा और वक्त दीजिए, और साथ में GST के जो कंप्लेंसेस हैं उनमें भी उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशन यहाँ पे डिमांड की है।